वो ऐसा कर कि जोया को लेके ना रूपोश हो जाए, बाद में सब ठीक हो जाएगा। ओ अंकल गूगल, सजेशन देने से पहले पूरी बात सुन लिया करो, रूपोश हो जा। और कोई रास्ता है तुम्हारे पास? रास्ता होता नहीं है, रास्ता बनाना पड़ता है। अच्छा, कौन सा ऐसा रास्ता जो तुम्हें सीधा मंजिल की तरफ लेके जाए? इख्तियार, अब वक्त आ गया। अभी तो चाय पिलाई थी मैंने आप। चाय की कौन बात कर रहा है यार, तेरा मशवरा बिल्कुल सही था इख्तियार, हमें रिमशा को किडनैप करना होगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं। हमें हमें इस नाचीज को शामिल ना करें प्लीज। यार क्या बात कर रहे हैं, तेरा ही तो मशवरा था, तुझे करना पड़ेगा, मर्द बन यार। दोबारा यहाँ कॉल करने की हिम्मत की ना तो मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। तुम्हारे बगैर जीने से बेहतर है कि जेल चला जाऊं। तुम आखिर चाहते क्या हो? माफी, अपने गुनाहों की माफी चाहता हूँ। तुम्हें माफ कर दूं, जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी उसे माफ कर दूं। खुश है खुदा भी है तू जो मिली आज, मन मेरा है गा रहा। कमीर तेरी कहानी मैं सुनी खुदावानी। इख्तियार भाई, मुझे पता है फुप्पो बुला रही है ना, उनको बोले मैं अभी मसरूफ हूँ, बाद में आता हूँ। नहीं नहीं, फुप्पो नहीं बुला रही, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उनको मुझसे क्या बात करनी है? हाँ जी फरमाइए। आप ठीक नहीं कर रहे। मैंने क्या किया? अरे गोभी कोई ऐसे काटता है, आपने तो उसका कचूमर निकाल दिया। अच्छा ओ, ये ले दिखाएं कैसे कैसे करते हैं। सिनी काटते ना, ये देखे। अरे वाह, बड़े बड़े फूल काटते हैं। आप तो लगता है पूरी तहकीक करके आई हैं गोभी पे। अच्छा लाए हैं, मुझे दे दें इससे पहले कि मालकिन आए और देखें और नाराज हो जाएंगे। वो इख्तियार भाई, आपका नुस्खा तो फेल ही हो गया, नायल और दूर जा रहे हैं। मोहब्बत कोई गोभी का फूल थोड़ी है कि दो भाप मारी और खाना पक जाए। थोड़ा थोड़ा सबर करें, थोड़ा टाइम दें, और वो कितना दूर भागेंगे आपसे। वैसे भी सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटे ना तो उसे भूला नहीं कहते, बल्कि उसे कहते हैं कमबख्त कहाँ मर गया था, कब से इंतजार कर रहे हैं तेरा। बहुत फनी बातें करते हैं आप। मैं तो बहुत संजीदा बात। हाँ ना, आप संजीदा भी बहुत फनी होते हैं। अच्छा चले कोई बात नहीं, आप जाएं आराम करें और टीवी देखें, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाऊंगा। जी आ रहा हूं। अच्छा तो हो गया फिर राजीनामा, मुझे तो बड़ा एटीट्यूड दिखा रही थी। हाँ वो थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी। अच्छा कुछ सादा गलतफहमी नहीं होने लगी? अच्छा आइंदा नहीं होंगी। अच्छा कुछ तो प्राइवेट रहने दो। अच्छा ये बात है? हाँ यही बात। अरे मेरे कमरे के साथ बेड लगाया हुआ तूने, जासूसी करने के लिए रखा तुझे यहाँ, काम का क्या हुआ? मैं वही बताने आया हूँ, आपको क्या लगता है मैं आपकी मालिश करने आया? जूतों का टाइम नहीं है मेरे पास, चार हफ्ते बड़ी मुश्किल से मांगे मैंने अम्मी से। चार हफ्ते में या तो रमशा जी लाहौर या हम जेल। बॉस मेरे नए प्लान के मुताबिक मैंने खान साहब से बात कर ली है और वो हंसी खुशी मान भी गए। और बाकी लोगों का क्या हुआ? बाकी लोगों का भी वो कह रहे हैं कि उसके तो पूरे खानदान को शौक है फनकारी का, वो कह रहे मैं ले आऊंगा। सही से समझा देना, कोई गलती की गुंजाइश नहीं। ये गलती की सूरत में मैंने पुलिस वाला सीन भी बीच में डाल दिया है, हम पे तो कोई आंच आने वाली नहीं है। अरे क्या बात है, मैं कहता हूँ अगर इस तरह हो गया ना इख्तियार तो ये तेरा मुंह तो धो लिया कर इख्तियार। मुझे पता था एंड में बेसी तो मेरी होनी है ना। Thank you.
निम्रा 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 उठो ना। क्या है, सोने दो ना। उठो तो सही, एक बात करनी है। क्या है सर? यार वो नायल है ना। क्या हुआ नायल को? हुआ कुछ नहीं है। फिर यार वो नायल रिमशा को अगवा करने का प्लान कर रहा है। क्या नायल ऐसा निकलेगा? मैंने सोचा भी नहीं था। यार मेरी कजन्स और अगवा उस रिमशा को, लेकिन रिमशा को, नायल को रिमशा के साथ शादी करने में क्या रुकावट है? वो बात नहीं है बेवकूफ औरत। फिर क्या है? वो रिमशा को इसलिए अगवा कर रहा है ताकि वो डर जाए और वापस लाहौर चली जाए। ये ठीक है। यार बात सुनो ना। क्या है? सुनो तो सही, बैठो। यार उसने उस प्लान में मुझे भी शामिल कर लिया है यार। क्या? हाँ ये क्या था? पहले क्या कहा था, बेवकूफ औरत? इस तरह नहीं सोऊंगा मैं। हेलो। हाँ हसन। हाँ यार नायल, यार देख तो गुस्सा नहीं करेगा, वो मैंने ना निम्रा को। क्या तूने निम्रा को बता दिया? यार तेरे पेट में दो दिन एक बात नहीं टिक सकी। अगर उसने जोया को बता दिया सब खत्म हो जाएगा यार। नहीं बताएगी यार। कैसे नहीं बताएगी, जब तूने बता दिया तो वो तो फिर औरत है। यार मैं कह रहा हूँ ना, नहीं बताएगी। उसने मेरे सर की कसम खाई और वो मेरे सर की कसम झूठी नहीं खाती है। अबे भाड़ में जाए तेरे सर की कसम, सारा प्लान चौपट कर दिया तूने, तुझे बताना ही नहीं चाहिए था। यार तू जानता है निम्रा को, वो नहीं बताएगी यार। जानता तो तुझे मैं भी बहुत अच्छी तरह था। जोया मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचेगी यार। याद रखना, अगर जोया को ये बात पता चली ना तो वो अगवा तो नहीं होगा लेकिन तेरा कत्ल जरूर होगा। अच्छा नायल मेरी बात सुन, देख मैं भाड़ में जाऊं। अंदर नहीं आओगे? नहीं यार, मुझे ऑफिस में कुछ काम है आज। ऑफिस में काम है या? यार जोया। ओके बाय। सुनो, वो निम्रा ने कोई बात की तुमसे? नहीं। किस बारे में? नहीं कुछ नहीं ऐसी। नायल, क्या बात है? वो मैंने मैं प्लान बना रहा था हसन के साथ कहीं बाहर जाने का, हम लोग सोच रहे थे काफी दिनों से नहीं गए तो सब इकट्ठे होकर चले जाते हैं, और कोई बात नहीं। कहाँ? कहीं भी ऐसे घूमने का सोच रहे थे कहीं, तो मैंने कहा प्लान बनाते, कोई ऐसी बात नहीं है, डोंट वरी, क्या हो गया। बाय बाय।
आ गई तुम? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। बैठो, मुझे तुम्हारे से बात करनी है। हाँ मैं जानती हूँ। क्या नायल ने तुम्हें सब? हाँ नायल ने मुझे बता दिया। क्या पर तुमने उससे मना भी नहीं किया? मैं क्यों रोकूंगी? और तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो सोया? तुम भी क्या क्या हो गया तुम्हें? ऐसे भाई नायल ने प्लान बनाया, वो हमें छोड़ के थोड़े जाएंगे। तो यार ये गलत होगा, तुम इसकी इजाजत कैसे दे सकती हो? क्या गलत होगा? तुम ठीक तो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? क्या हो? मेरी तबीयत ठीक है? तुम सब लोग पागल हो गए हो, किसी को अगवा करवाने के? अगवा? कौन कौन किसे अगवा कर रहे? वो व्हाट निमरा? हाँ? अच्छा सही, मैं आता हूँ अभी। ओके बाय। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया नायल? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मैंने क्या किया? इतनी दूर चला गया था, मुझे वहां से बुला लिया फोन करके। मैं तो शुरू से इस बात के खिलाफ हूँ। किसके? अगवा के। और किस चीज के? मुझे तो जब से पता चले टेंशन से बुरा हाल है। तुम्हें टेंशन हो रही है और मेरा जो टेंशन से बुरा हाल है, मेरी अम्मी मेरी एक बात नहीं सुन रही है और रिमशा को साई की तरह मेरे पीछे लगाया हुआ है। और तुम जो कह रही हो मेरा दिमाग खराब है, एक दफा मैं उसके साथ बाजार क्या गया, तुमने आसमान सर पे उठा लिया था। हाँ अगर दूसरी लड़की को चूड़ियां पहनाओगे तो बुरा लगेगा ना? इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम जुर्म की दुनिया के बादशाह बन जाओ। यही तो बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक बार पुलिस में नाम चला गया ना, फिर किसी की मुर्गी भी चोरी होगी तो हमें ले जाएंगे। आए भाई नहीं नहीं, कितनी शर्मिंदगी की बात होगी जब लोग कहेंगे वो देखो मुर्गी चोर की बीवी जा रही है। अरे यार ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हम, सिर्फ अगवा करने की कोशिश करेंगे और उसके बदले पकड़े गए या कुछ हुआ तो कहेंगे प्रैंक कर रहे थे। अच्छा फिर तो ठीक है। नहीं ये बिल्कुल ठीक नहीं है, गलत है ये। वो कैसी अजियत से गुजरेगी? मैं अपनी खुशी के लिए नहीं नहीं, ये बात यहाँ खत्म नहीं होगी। जरा सोचो वो सारी जिंदगी खौफ और अजियत से गुजरेगी। पहली बात तो तुम उसका इतनी साइड क्यों ले रही हो? दूसरी बात मुझे बेवकूफ समझा हुआ है? हम सिर्फ अगवा की अटेम्प्ट करेंगे, अगवा करेंगे नहीं, उसे सिर्फ डराना है। उसकी भी जरूरत नहीं है ना? लेकिन बात ही खत्म हो गई। बिल्कुल ठीक कह रही है ज़ोया। ठीक है फिर बाद में मुझे इल्जाम नहीं देना। नहीं दूंगी। अगर तुम मेरी किस्मत में लिखी हो तो दुनिया की कोई ताकत भी तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकती। इख्तियार कहाँ? अरे आप ही नहीं तो भेजा था उसे फोटोकॉपी कराने को, भूल गए? अभी तक लौटा नहीं। सुस्ती मारा गया ही। अब आए तो मेरे कमरे भेज देना। नायल भी तो नहीं आया अभी तक। पता नहीं एहसन क्या ही गया होगा, खुदा जाने वहाँ क्या रखा है, क्यों दौड़ दौड़ के जाते हैं वहाँ, क्या खबर? ये रिमशा पता नहीं कहाँ चली गई। रिमशा उसका पता करके आते। देख भाई हमारे इरादे तुझे नुकसान पहुंचाने के नहीं है, समझ गया? सीधी तरह अंदर बैठ जा खामोशी से। भाई भाई बैठने की क्या जरूरत है? आप लोग को मोबाइल और पैसे चाहिए तो ले लो ना। तुम्हें बोला है ना चल बैठ। देखो आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं वो नहीं हूँ जिसकी आपको तलाश है। मैं तो एक मामूली सा नौकर हूँ। आपको तलाश किसकी है? मैं मदद कर सकता हूँ आप लोगों की। एक बंदे को मैं जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ मैं। आप चल बैठ। भाई क्या कर वही रुमाल ये किस लिए? अबे नाक साफ करने के लिए। ओह
अच्छा, मुझे लगा कि आप लोग जैसे फिल्मों में रुमाल नाक पे रख के बेहोश कर देते हो ना, मेरे साथ कुछ ऐसे ही करने वाले हो। लेकिन शुक्र है आप लोग को तो जुकाम है। चल ज्यादा हो गया काम, हटा पिस्टल, गाड़ी चला। कहाँ जा सकता है भाई, फोन भी बंद जा रहा। हो सकता है लेट नाइट शो देखने चले गए। ये बिल्कुल मुमकिन है, कम बख्ती मारे को फिल्मों का शौक भी तो बहुत। हाँ हो सकता है, हो सकता है अपने जेल के साथियों के साथ हो वहाँ पे। अरे दुर्दाना वो जेल में नहीं है भाई, लॉकअप में है। तो वहाँ कौन से भाईजन शुरफा होते हैं, ले गए पुलिस वाले उठा के। अबू मैं ऐसा करता हूँ कि बरकत के साथ जाता हूँ, जाके अस्पताल और पुलिस स्टेशन देख के आता हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। चलिए। अच्छा सुनिए, आते हुए जरा पिज्जा लेते आइएगा। ओ पप्पो, सारी रात जागने हैं, भूख तो लगेगी। बेटा पड़ोसियों को बुला लेते हैं, ढोलकी भी करा लेते हैं। खाना है किचन में, वैसे टेंशन में तो मुझे भी भूख लगने लगती है। आओ चले, मैं जूते पहन के आता हूँ। पिज्जा इसका ना भूलना। हेलो इधर आओ। जी इख्तियार को देखा है? तो आपके घर पे तो देखा था। मैं मजाक कर रहा हूँ तुमसे। नहीं तो इख्तियार को देखा? वो दूध वाला आया था ना, तो हम दोनों वहीं बाहर मिले थे, तब मुलाकात हुई थी। कुछ कह रहा था वो दूध वाले को? कह रहा था कि पानी तुम मिलाते हो, बातें हमें सुनने को मिलती है। कहता हूँ मैं भी यही रहा था उससे। और कुछ कह रहा था कि मुझे कहीं जाना है, कोई मिलने आ रहा है? वो कह रहा था कि हम एक ड्रामे की शूटिंग है और मेरा उसमें एक किरदार भी था, मैं एक लड़की को अगवा भी करना था। बकवास करता है वो, भूल जाओ उसे। सही है वो भूल जाऊं या ये सब भूल जाऊं? सब भूल जाओ और अब तुम जाओ। आप कौन है? मैं जाना। आई थिंक मेरे जवाब काफी कुछ क्लियर कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग कंफ्यूज भी तो हो सकते हैं। अच्छा अगर मैं सारे कंफ्यूज लोगों की जिम्मेदारी खुद ले लूं तो काफी काम हो जाएगा। सब लोगों की ना सही, लेकिन किसी एक की जिम्मेदारी आपको ले लेनी चाहिए। खुश है खुदा भी है तू जो मिली आज, मन मेरा है गा रहा। ये क्या, कहीं मैं जन्नत में तो नहीं आ गया? अरे मौला कुमारा ही उठा लिया। उई मां, हेलो भाई आपको ना कोई शरीर गलत फहमी, सुन बात तो सुन लो। बाथरूम वहां है, फ्रेश होकर नाश्ता कर लेना। और हाँ ज्यादा शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, यहां मीलों तक कोई नहीं है, समझे?
यार मेरी बात तो सुन लो भाई साहब। अरे मेरी बात तो सुनो। हेलो, अरे हेलो, मेरी शक्ल किसी डॉन से तो नहीं मिलती? जो भी है आसाइशें पूरी है। इन्फॉर्मेशन मिले तो आप मेहरबानी से फिर हमें की। जी बिल्कुल, मैं एक रिपोर्ट लिख रहा हूँ, आप इस पे साइन कर दीजिएगा और जैसी मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे मकसूद साहब आप यहाँ, खैरियत तो है? बस वो हमारा आदमी इख्तियार घर से गया है, वापस फिर लौटा ही नहीं। वो आपका नौकर? नहीं, नौकर तो खैर नहीं, हम उसको अपने बच्चों की तरह समझते हैं। नायल आपका बेटा है? जी जी जी, हमारा बटुकदार है। आपके अब्बू ने कुछ बताया आपको? जी क्या? तो आपको कुछ नहीं पता? अच्छा जी, आपके यहाँ यहाँ किस सिलसिले में? मैं बस एक जमानत के सिलसिले में आया था इस अच्छे साहब के पास। हमें इजाजत, हम चलते हैं। बहुत मेहरबानी है। ओके नायल, सी फला होगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जी जरूर। ऐसा जो साहब एक जमानत आप। क्या अभी तक नहीं पता चला? कुछ पता चले तो जरूर बताना मुझे। Don't worry, वो आ जाएगा। Okay, bye. As usual, फोन और आप दोनों का अच्छा साथ है, दोनों स्मार्ट। ऐसे आप ऑनलाइन क्यों नहीं काम शुरू कर लेती कंपनी की तरफ? आपको मेरे फोन से परेशानी है, इनसे जान छुड़वानी है? आपसे कौन जान छुड़ाना चाहेगा, आपका फोन है, जिससे चाहे मर्जी बात करें। ऐसे मेरा नंबर है ना आपके पास, या डिलीट कर दिया? अरे बॉस, आपका नंबर क्यों डिलीट करूंगी ना? हर बात का जवाब है आपके पास, और आपके पास हर फोन पे एक सवाल है। जवाब सही नहीं मिलेगा तो सवालात तो चलते रहेंगे। आई थिंक मेरे जवाब काफी कुछ क्लियर कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग कंफ्यूज भी तो हो सकते हैं। अच्छा, अगर मैं सारे कंफ्यूज लोगों की जिम्मेदारी खुद ले लूं तो काफी काम हो जाएगा। सब लोगों की ना सही, लेकिन किसी एक की जिम्मेदारी आपको ले लेनी चाहिए। अच्छा, लेकिन फिलहाल मेरी जिम्मेदारी है ये काम पूरा करना। और आप कैसे बॉस हैं, अपने एम्प्लॉय को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं? चले करें आप काम। चलता हूँ। हेलो, तुम क्या कर रही हो यार? घबराए ना, मैं कोई चोरी करने नहीं आई। हाँ हाँ मुझे पता है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ये क्या कर रही हो? सियार भाई तो आए नहीं, कमरा इतना गंदा था आपका तो मैंने सोचा कि छोड़ दो, मैं खुद कर लूंगा, छोड़ दो। कर ही ना ले आप, मोजों के गोले बनाकर बेड के नीचे फेंके हुए।
और वैसे भी मेरे होते हुए आप अपना कमरा साफ क्यों करेंगे? अरे मैं अम्मी से कहूंगा वो साफ कर देंगे। नहीं, आपका कमरा साफ करना मेरा फर्ज है। तुम्हारा फर्ज क्यों है? तो मेहमान हो, घूमो फिरो, एंजॉय करो। ना तो आप मुझे कोई काम करने देते हैं और ना मुझे कहीं घुमाने फिराने लेकर जाते हैं। मैं तो घर बैठे बोर हो जाती हूँ। अच्छा क्या पसंद है तुम्हें? मुझे घूमना फिरना, सिनेमा जाना, दोस्तों के साथ एंजॉय करना, गोलगप्पे तो मेरे फेवरेट हैं। इसके अलावा शॉपिंग करना, मुझे खाने पीने की तो तकरीबन सारी चीजें बहुत पसंद है। बट की कढ़ाई की तो क्या ही बात है, वाह 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 वाह। आप ना मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। क्या कर रही हो? लाओ मैं तुम्हारी मदद करा दूं कुछ। बस भाभी जान हो गया। ये बताएं इख्तियार का कुछ पता चला? देखें जरा, सबसे ज्यादा मुझसे ही बहस करता था, मुझे ही तंग करता। कमबख्ती मारा सबसे ज्यादा मुझे ही याद आ रहा है। बहुत जगह पता किया, पुलिस स्टेशन में भी पता किया, कहीं नहीं मिल रहा। अस्पतालों तक में चेक करवा लिया, पता नहीं उसे जमीन खा गई कि आसमान निकल गया, कहां गया। वैसे मुझे लगता है उससे हमारी कोई बात बुरी लग गई। क्या मकसद है, बंदा कोई बात ही ना करे। माफ करना, वैसे तुम्हारी जुबान से निकला हुआ जो तीर है ना, किसी की जान भी ले सकता है। चल अब सारा बवाल मेरी जान पे आ जाए, मेरा ही सब कुछ किया था। रहा है कमाल कर रही है आप भी, अब इंसान कुछ कहे भी ना। कहना एक बात होती है भाई और जलील करना एक और। लो भाई, अब ये सारा बवाल आप दोनों ने मुझ पर ही डाल दिया। आप दोनों ने से कभी कुछ नहीं कहा, ऐसा लगता है जैसे मैं ही कहती रहती थी सिर्फ। अब हराम है जो एक लफ्ज भी बोलूं मैं। हटे, मैं तो कैसी के पता नहीं, हमारी कोई बात ही बुरी ना लग गई उसे। अभी जो भी लगा है वो खाने के वक्त अच्छा ठीक हो जाएगी, फिक्र की कोई बात नहीं। मैं तो समझ में नहीं आ रहा हमारे घर को हुआ क्या है आखिर, किसी की नजर लग गई जैसे। अभी सोच रहा था भी क्या बड़ी जबरदस्त खुशबू आ रही, क्या पकाया? मकसूद आप अजीब बातें नहीं करते, मैं कुछ और बात कर रही हूँ, आप कुछ और जवाब दे रहे, पता नहीं क्या हुआ। क्या हो गया? मैं गया था खाने, रिपोर्ट दर्ज करवाई है, इंस्पेक्टर ने मुझे कहा कि कोई फिक्र की बात नहीं, तसल्ली दी उसने मुझे। और ऊपर से ये इख्तियार जो है ये कोई बेवकूफ आदमी नहीं, अगर वो किसी मुसीबत में उलझा हुआ ना तो समझा कि उल्टा मुसीबत उसमें उलझ गई हो। दे रही हो क्या? आपको भूख लग गई इतनी जल्दी? तो और क्या, अजीब लोग हैं आप, हमें तो टेंशन में भूख उड़ जाती है, आप लोग। नहीं तो हमारी नहीं उड़ती ना भाई। तो नाश्ता किया था, दे रही हूँ। वो देखो नायल, तुम्हारे आने का फायदा क्या हुआ? तुम्हारा तो ध्यान ही नहीं है यहाँ पे। यार मेरा ध्यान है शॉपिंग पे, इख्तियार की वजह से परेशान हूँ बस। कुछ नहीं होगा उससे, वो ठीक है। मेरा दिल कैसा है? हेलो जी अबू, जी जी अबू, ठीक है मैं आ जाऊँगा। ओके अल्लाह। वो बिलाल है ना? कहाँ? बिलाल, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज गाइस। क्या हाल है? आई एम गुड, हाउ आर यू? हाउ आर यू? कॉफी के लिए चले? मेरा ख्याल से काफी देर हो गई है ना नायल? मेरा नहीं ख्याल इतनी देर हो गया, मैं कॉफी पी लेनी चाहिए एक कप यार। ये हुई ना बात, चलो आ जाए। लेट्स गो। भागो, अरे अरे क्या चल रहा है? अच्छा खासा नेशनल जियोग्राफिक चल रहा है। बात को घुमाओ नहीं, इख्तियार की अफवाह में तुम्हारा हाथ है। कहाँ से लाती हूँ यार ये खबरें,
जोया ने मुझे बताया इख्तियार गायब है। हाँ तो ये तो मुझे भी पता है। यही तो, तुम्हें कैसे पता है और क्यों पता है? सोर्सेस क्या है तुम्हारी? मेरी सोर्सेस वही हैं जो तुम्हारी। पहले कह जो, घुमा फिरा के बात नहीं करनी, सीधा कर दूंगी। मुझे जोया ने बताया। मुझे नायल ने बताया, और आई एम श्योर कि जोया को भी नायल ने बताया होगा। ऐसा अगर कोई और बात निकली ना, तुम्हारी खैर नहीं हो। बेगम तुम्हें पता है इस फूलदार सूट में तुम क्या गजब ढा रही हो? सच? मैंने कल ही लिया, सेल पे था। मैंने पहले सोचा मैं ब्लू भी लूंगी, फिर मैंने उसको छोड़ दिया। मैंने सोचा तुम नाराज हो, तो मैंने छोड़। अरे पागल हो, ले लेती, मैं कमाता किस लिए हूं? और नीले सूट पे तो मैं तुम्हारे ऊपर फिदा हुआ था, याद नहीं है तुम्हें? मेरे पीछे कितने लोग पागल, मैंने सिर्फ तुम्हें चुना। तो मैं भी सोचता हूं कि मैं भी कितना पागल। क्या सब तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि तुम्हें देख के कोई भी पागल हो जाएगा पगली। सच मुझे बना तो नहीं रहे हो ना? मैं क्या बनाऊंगा, कुदरत ने तुम्हें ऐसे अशरे निजाम से नाप तोल के बनाया है कि। तारीफ थी यार। बात नहीं करना मुझसे। उर्दू थोड़ी गाढ़ी हो गई, मतलब MTV लगाऊंगी। कहा ना अब ये नामुमकिन है। मैं देखो, तुम चाहो तो सब मुमकिन है। भाई साहब से मैं खुद बात कर लूंगा, चाहे मुझे उनके पैर ही क्यों ना पकड़ने पड़े। उनके तो सामने आने का तसव्वुर भी ना कीजिएगा। दुर्दाना मैं तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ। कहा ना कितनी दफा कहा रॉन्ग नंबर है। अहे कौन तंग कर रहा है, लाओ मुझे नंबर दो, मैं कंप्लेन करती हूँ। हद हो गई, पता नहीं कब तक ये रॉन्ग नंबर आते रहेंगे। छोड़े फिलहाल वजह किसी से दुश्मनी मोल लेने का फायदा। मुझे तो रह रहे के ना प्यार की परेशानी खाई जा रही है। लगता है जैसे यहीं कहीं खड़ा हमारी बातें सुन रहा होगा, पट से आ जाएगा। कमबख्त रौनक लगाए रखता था वैसे हर वक्त। सही कह रही हैं आप, सारा दिन मुझसे लड़ता रहता, मेरा भी दिन उसके बगैर नहीं गुजर। हाँ तो सदके का बकरा दे दो ना उसके नाम पर। चलो एक महीना हो गया आपसे ये कहते, सुनी नहीं रही आप मेरी बात। ले लो बताओ, तुमने ये जरूर कहा कि गोश्त मंगवा लीजिए, बकरा मंगवा लीजिए, तुमने सदके के बकरे का तो नाम ही नहीं लिया। वो बात अलग थी, ये बात अलग। अपनी मर्जी की बात आप कैसे चुन लेती हैं? सदके की बात भूल ही गई? अच्छा भाई पता नहीं भूल गई होंगी। अच्छा ये खूब है, अपनी गलती हुई तो पता नहीं। अच्छा ना छोड़ो, बस ये बताओ बकरे का क्या करना है? मंगवा ले, खुद चल के तो आने से रहा। अच्छा मैं ऐसा करती हूँ इख्तियार से। आए अल्लाह देखो तो जरा, हर बात घूम फिर कर फिर इख्तियार पर ही आ जाती है। खैर मैं सैलानी वालों से बात करती हूँ। कह दीजिए। डिफेंस लगता है, तो सुनसान क्यों है? नया फेज है शायद। ओ भाई थोड़ा फासला रखो यार, ऐसे मजाक जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। डर गया। किचन किधर है? मुझे किचन देखना। ये क्या होता है, ट्रैफिक पुलिस में काम करते हो क्या? तो फिर ये क्या, चलो ना। बंदा है ये, बात मुझे पसंद नहीं आई। क्या मेले बर्तन? क्यों? क्योंकि बेगम साहब को नहीं पसंद। अरे ये क्या कर रहे हैं सर आप? अरे वो नहीं भाई, मैं कोई टीचर थोड़ी हूं। पर आप ये नहीं कर सकते।
तो यही तो मेरा काम है, 20 साल का तजुर्बा है मेरा। आप ये नहीं कर सकते, साहब हमें जान से मार देंगे। देखो मैं जानता हूँ ये महंगे बर्तन, लेकिन जिस घर में मैं काम करता हूँ ना वहाँ भी जर्मन क्रॉकरी है। आप नहीं कर सकते। तो फिर तुम धो लो। जी मैं? भाई देखो मैं तो इस तरह के मैले बर्तन नहीं देख सकता। अच्छे तरीके से धो, साबुन थोड़ा कम इस्तेमाल करना। यार ये ले जा और इसकी दो फाइल बना ला, और ये जादू से नहीं होगी, इसकी फोटो कॉपी करनी पड़ेगी। जा हेलो। हाँ रिमशा, आपको कैसे पता चला कि मेरा नंबर है? रिमशा तुम्हारा नंबर सेव है, स्क्रीन पे आ रहा था। बोलो कोई काम? नहीं काम तो कोई नहीं था, मुझे हिचकियां आ रही थी, मैंने सोचा कि आप मुझे याद कर रहे होंगे। अच्छा पानी पी लो, मैं ऑफिस में हूँ, बड़ा बिजी हूँ। हाँ आप पूछ रहे थे ना कि क्या क्या पसंद है, तो तुमने बता दिया था ना। अच्छा तो फिर बताएं मुझे क्या अच्छा लगता है। वो के देखा भूल गए ना। या मेरा मेमोरी का थोड़ा सा मसला है। वैसे तो आपको सारी बातें याद रहती हैं, सिर्फ मेरे मामले में ही आपकी याददाश्त कम हो जाती है। ऐसी बात नहीं है यार। ऐसी ही बात है। अच्छा सही है यार, मैं थोड़ा बिजी हूँ ऑफिस में, बताया मैंने तुम्हें। आप मुझसे ऐसे बात क्यों करते हैं? क्योंकि तुम समझ नहीं रही हो कि मैं बिजी हूँ, मैं ऑफिस में हूँ रिमशा। ओके बाय। अच्छा सुने वो आते में ना कैडबरी लेते आइएगा, वो मैं आपके लिए स्वीडिश बना रही हूँ। ले आऊंगा। हाफिज। बाय। क्या करूं यार मैं इसका। इमरान अपने बेटे से बात की है, उसने तुम्हें बताया है, अब तुम परेशान किस बात से? परेशान कैसे ना हूँ भाई, मेरा तो इकलौता बेटा है, मैं तो परेशान होंगी। तो मेरे पांच नहीं है शहनाज बेगम, मेरा भी एक ही बेटा है और मैं चाहता हूँ कि उसकी शादी। लगता तो नहीं है वैसे। वैसे तुम लोग बड़े कच्चे खिलाड़ी हो यार, इतनी तो तुम्हारे बॉस को बचत नहीं हुई जितना तुम लोगों ने मुझ पे खर्चा कर दिया। बचत तो वैसे भी नहीं होनी थी, क्योंकि जितने का तुम लोगों ने मुझे खाना खिला दिया ना उसके आधी के बराबर तो मेरी तनख्वाह थी। कभी कभी डर लगता है, एक तो तुम्हारी अम्मी का डर, दूसरी तरफ तुम्हारी गांव की छोरी। तुम भी तो उसी गांव की हो। एक्सक्यूज मी, तुम मेरा उसके साथ कंपैरिजन कर रहे हो? कंपैरिजन तो तुम कर रही हो यार, अगर तुम अपनी मोहब्बत पे एतबार है तो डरती क्यों? कैसे ना डरो, एक लड़की जो तुमसे इतनी मोहब्बत करती है तुम्हारे साथ हर वक्त रहती है। तुम बह गए तो है।